And now cutting across to something quite different, as India's golden girl Deepa Karmakar has arrived home after her historic feat in Rio. The Indian ace gymnast has become the first Indian woman gymnast to qualify for an Olympic Games, and she did it in style after winning a gold medal at the test event. Deepa Karmakar now joins us live here on Times Now. Deepa, congratulations. Thank you very much for joining us. सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो गोल्ड मेडल आपने जीता है, वो जीतने के बाद आपको क्या लगा? आपने एक तरीके से हिस्ट्री बनाई है इंडियन वुमेन एथलीट्स के लिए. मुझे बहुत खुश हुई कि मैं जो 2008 ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट और 2014 एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट, उसको मैंने पीट करके वॉल्टिंग में गोल्ड लिया. और उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ इसीलिए कि मैं अपना परफॉर्मेंस दे पाई वहाँ पे. दीपा, अब आप जैसे आज अपने घर वापस लौटी हैं, दिल्ली वापस लौटी हैं, हमें ये भी पता चला है कि जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें भी किसी वजह से डिले हुई है. अब ये बात सबको पता है कि जिमनास्टिक्स फेडरेशंस में दो फैक्शंस हैं, एक तरीके से दो फेडरेशंस चल रही हैं. इस सिचुएशन को लेके आपको कई तकलीफों को क्या सामना करना पड़ा होगा? नहीं, मुझे कुछ इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि मेरे कोच इतना अच्छे हैं, मुझे इस सब बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ फोकस ओनली प्रैक्टिस. नहीं तो जैसे आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसमें भी आई अंडरस्टैंड कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो आप हमें बता दें, बट हमें यही पता चला है कि जैसे आप आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, तो दोनों फैक्शंस की वजह से अभी तक ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो पाया है. क्या ये सच है? एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता. अच्छा चलिए, हम आपके आपके स्पोर्ट के बारे में बात कराते हैं. दस आपको प्रैक्टिस इक्विपमेंट कब मिला था? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि जिस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए होता है आपके लेवल के जिमनास्ट के लिए, आपके लेवल के एथलीट के लिए, उस तरीके का इक्विपमेंट काफ़ी टाइम तक नहीं था. वो आपको फ्रेंच इक्विपमेंट, जो शायद यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आया था 2010 में, वो इक्विपमेंट आपको कब और कैसे मिला? 2010 में ही मुझे वो इक्विपमेंट्स मिला. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में वो एक इक्विपमेंट भेजा, और उस टाइम मैं वॉल्टिंग में फाइनल पे पहुंची थी तभी भेजा. तब से 2010 से मेरे पास फॉरेन इक्विपमेंट है. उससे पहले तो मैं इतना छोटा सा स्टेट में थी कि वहाँ पे इतना अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं था, पर 2010 से वहाँ पे अच्छा इक्विपमेंट है. और इंदिरा गांधी स्टेडियम IG में पूरा वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है. अभी फोम पिट में भी है, जिससे मैं प्रोदोनोवा वॉल्ट सीखी. उसके लिए मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने वो फोम पिट बनाया. अगर ना बनाते शायद मैं वो प्रोदोनोवा वॉल्ट भी ना सीख पाती, ना आज मैं इस पोडियम पर पहुँचती. और साथ में मैं जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट को और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि इन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं इधर आ नहीं पाती. और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो इनका करना चाहती हूँ, जिनके बिना आज मैं वहाँ पे नहीं हूँ. मेरे कोच मिस्टर BS नंदी, उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे आज इस पोडियम पे पहुँचा है. वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर नंदी ऑल्सो. दीपा, अब आपको टॉप स्कीम के अंडर 30 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है. आपको अभी तक फंड्स काफ़ी मिले हैं? अभी तक कोई फंड्स की प्रॉब्लम हुई है? एक्चुअली देखिए, मैं आज सुबह मॉर्निंग पे पहुंची हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और मैं इस बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कोच है, वो सब डिसाइड करेगा, सब वो पता होगा क्या करना है, कौन सी फंड मेरे लिए हुई क्या नहीं, वो मुझे कुछ नहीं पता. नहीं, आपको लेकिन एक पर्सनल तौर पे कभी ऐसा लगा है कि आपको जैसे फंडिंग जो मिलती है वो काफ़ी है, या कुछ और मिलनी चाहिए, कुछ और सपोर्ट मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट और फंडिंग मिली है तो आप ये कहें, पर आपको कभी ऐसा लगा है कि फंडिंग में कहीं कुछ कमी रह गई है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, मुझे पूरा मिला अभी तक. अच्छा, अब आप ये जो आपने वॉल्ट किया था टू विन द गोल्ड मेडल, हमें बताया जा रहा है कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल वॉल्ट है. आपको किसने इंस्पायर किया कि मैं ये वाला वॉल्ट ट्राई करूं? आज आप हमें उस वॉल्ट के बारे में कुछ बताइए भी, और ये भी बताइए कि जो आपकी थोड़ी लैंडिंग के बारे में बात हो रही है, उसका आप क्या कर रही हैं?
ये वॉल्ट एक रशियन लड़की ने किया था, प्रोदोनोवा, एलिना प्रोदोनोवा है उसका नाम, उसके नाम से ये वॉल्ट शुरू हुआ। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5 लड़की करती है ये वॉल्ट, 5 में से सिर्फ 3 सक्सेस हुए, उसमें से मैं एक हूँ। और करीबन 4 लोगों ने वो वॉल्ट करना छोड़ दिया, सिर्फ मैं एक ही करती हूँ पूरे वर्ल्ड में। अभी लास्ट टेस्ट इवेंट में भी मैं अकेली ये वॉल्ट किया। तो इस वॉल्ट का जो लैंडिंग है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी है, वो कभी भी स्पॉट डेड भी हो सकती है जगह पे, ये वॉल्ट ऐसा है। तो ये करने के लिए मेरे कोच ने सजेस्ट किया, और कुछ पाने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है, वही मैंने लिया और सर ने लिया, पर हम सक्सेस हुए उसमें। और ये वॉल्ट लैंडिंग का जो है मेरा थोड़ा सा डीप आता है, उसको थोड़ा सा स्टैंड करना और एग्जीक्यूशन अच्छा करना, वही है इस वॉल्ट का। अब आपका अभी से लेके रियो तक का जो वक्त है उसमें आपका मेन फोकस क्या रहेगा, आपका और मिस्टर नंदी का क्या मेन फोकस रहेगा, ताकि रियो में आपकी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हो? बस हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर ही सब है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और अपना परफॉर्मेंस देना है अच्छा वहाँ पे। चलिए, आपने यहाँ पे तो एक गोल्ड मेडल जीत लिया है इन द टेस्ट इवेंट, हम आशा यही करते हैं कि आप रियो में भी जीतेंगी। लेकिन अभी तक बहुत ही कम जिमनास्ट निकल के आए हैं इंडिया से जो एक लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अपना कुछ स्टैम्प कर पाए हों, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? मतलब जैसे आप बाहर जाती हैं, आप बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ आप देखते होंगे कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके बहुत सारे जिमनास्ट आते हैं, आपको क्या लगता है कि यहां पे और वहां पे क्या फर्क है और क्या जरूरत है कि हम भी उस लेवल पे पहुंच पाए? यहाँ पे और फॉरेन कंट्री में कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे फॉरेन कंट्री भी टेस्ट इवेंट में क्वालिफाई किया, इस बार हमने शायद 14 या 15 कंट्री को बीट किया, तो हम भी उन लोगों से कई तरह से पीछे नहीं है। जैसे अभी एक मैं इस बार जा रही हूँ, अगली ओलंपिक में शायद हम 3-4 जाए और वहाँ से 2-3 मेडल लाए, ये और कोई मैं इक्विपमेंट्स में कुछ फर्क नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और प्रैक्टिस। यही पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कभी अच्छा, जैसे पिछली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम आशीष कुमार आए थे, उभर के आए थे, आप तो काफ़ी टाइम से मेडल्स जीत रही हैं, अब आपने एक तरीके से वर्ल्ड स्टेज पे बहुत अच्छा दिखा, प्रदर्शन किया है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि ये जो एक या दो जिमनास्ट आगे आते हैं, ये 5 या 6 जिमनास्ट या 10 या 12 वर्ल्ड क्लास जिमनास्ट में कब बदलेगा? बस और बहुत जल्दी बदल जाएगा ये। उसके लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फंडिंग है, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फेडरेशन जो है, ये सब आपको, आपके हिसाब से ये सब एकदम मतलब काफी है बस टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रिजल्ट? बहुत काफी है, बस हमारे, हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें मेहनत करने है, प्रैक्टिस करने है, बहुत ही अच्छे, हमारे पास सब कुछ, जैसे इक्विपमेंट है, फंडिंग है, सब कुछ अच्छा है। मिनिस्ट्री की जैसे मिनिस्ट्री की हेल्प है, फेडरेशन की हेल्प है, सब कुछ है, सिर्फ हमें स्पोर्ट्स पर्सन को खुद को मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है बस। जी, आपने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। पर आपने देखा होगा, जैसे मैंने आशीष कुमार का नाम लिया, तो आशीष कुमार को कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ फेडरेशन के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ मतलब उस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हुई थी, जिस वजह से वो लंदन में ओलंपिक्स में भाग नहीं ले पाए थे। आपको क्या उनके सिचुएशन के बारे में पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे सिर्फ आप फील्ड की स्पोर्ट्स बारे में पूछिए पता है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे ये सब बारे में कोच कुछ ना समझने देते ना कुछ बोलते, सिर्फ फोकस ओनली प्रैक्टिस। अच्छा, चलिए आपसे मैं इस बारे में एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फिर वापस आपका रियो के बारे में ही पूछूंगी। जैसे मैंने शुरू में पूछा था आपसे, देर आर टू फैक्शंस, दो फैक्शन जो हैं जिमनास्टिक्स फेडरेशन के, इस वजह से आपको कभी कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ हुई है? आप किसके साथ डील करती हैं? आपको कभी इसकी वजह से ऐसा लगा है कि मतलब हम और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इंटरनल इतना फैक्शनलिज्म हो रहा है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ, देखिए मुझे अभी पता चल रहा है आप लोगों से, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई ये सब चीज़ से, और मेरे पास इतना अच्छा कोच है, मैं कभी प्रॉब्लम की ये सब चीज़ का मुझे प्रॉब्लम होता ही नहीं, कभी मेरे कान पे आते ही नहीं ये सब चीज़, अभी आप लोगों से मुझे पता चल रहा है सब।
चलिए, वेरी गुड. वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दैट दीपा. ही तो अच्छी बात है अगर आपको ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं और अपने स्पोर्ट पे फोकस करती हैं. जस्ट लास्ट क्वेश्चन, रियो के लिए आप कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर रही हैं? एनीथिंग वेरी वेरी स्पेशल, जैसे आपने अभी बताया जो वॉल्ट आपने अभी किया, वो पूरे वर्ल्ड में शायद अभी आप सिर्फ वही एक एथलीट हैं जो ये कर रहा है. एनीथिंग एल्स, कोई स्पेशल प्रिपरेशन फॉर रियो नाउ? मैं वॉल्टिंग पे सिर्फ अपना एग्जीक्यूशन अच्छा करना चाहती हूँ और अपना जो मार्क्स है उसको थोड़ा सा हाई करूँगी तो मैं उसमें खुश हो जाऊँगी. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी रियो में. थैंक यू वेरी मच दीपा. मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगैन एंड वी आर ऑल एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. वी होप दैट यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ गोइंग अप टू रियो. थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस.